एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीड्स कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दाल मखनी और नान बनाना बता रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना। मखनी के लिए सबसे पहले हमने उड़द की दाल ली है 1 कप। अब इसको बहुत अच्छे से हमको वॉश कर लेना है, एकदम अच्छे से वॉश करके, और इसको हमको कम से कम 3 से 4 घंटे, उससे ज़्यादा भी अब भिगो सकते हैं, इसको भिगो के रख दीजिए। देखिए, ये दाल हमारी भीग चुकी है। और अब इस दाल को हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच घी डालकर हम कुकर को बंद कर देंगे और 5 से 6 विसल आने तक इसको हम पकाएंगे। देखिए, हमारी दाल उबल चुकी है। इसमें हमने 7 सीटी लगाई थी और इसमें हमने 1 कप दाल में 8 कप पानी डाला था, तो ये दाल हमारी उबल चुकी है। इसके तड़के के लिए हमको चाहिए 1 प्याज। हमने यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन को काट लिया है। अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़े से अदरक को हमने लंबे लंबे काट लिए हैं। हरी मिर्च को भी काट लिया है। हमने 3 टमाटर लिए हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा सा चम्मच कसूरी मेथी, 2 चम्मच क्रीम और बटर। अब हम तड़का बनाएंगे। इसके लिए हम पहले 2 चम्मच घी डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच बटर डाल देते हैं और इसको हम गरम होने देंगे। ये देखिए, गरम हो गया है। अब इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरे को हम भूनेंगे 2 मिनट तक। इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डाल रहे हैं ताकि ये दाल, जिनको भी एसिडिटी हो जाती है, दाल खाने से थोड़ी हैवी पड़ती है, तो लौंग, ये हींग डालने से फिर ये इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और ये आपको डाइजेस्ट भी हो जाती है। अब हम इसमें लहसुन डाल लेते हैं और साथ ही हम इसमें अदरक जो हमने ग्रेट करके रखा है वो डाल देंगे और इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, लहसुन को 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम पिंक होने तक भूनेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे पिंक हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको पूरा सॉफ्ट होने देंगे, एकदम जला देंगे और फिर इसको हम भूनेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम 2 मिनट तक इसको फिर से ढक के रख देते हैं। ये देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने दाल बॉईल की थी, दाल को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, दाल को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम जो क्रीम है, फ्रेश क्रीम, वो डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे। अब हम दाल में थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि इसको हमको 10 से 15 मिनट अभी एकदम सिम पर, लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और इसके अंदर अब हम
जो हमने लंबे लंबे काट के अदरक और हरी मिर्च रखे थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब हम कवर कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। दाल को हमने 15-20 मिनट तक रखना है, तब तक हम नान का आटा लगा लेते हैं। नान का आटा लगाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदा मतलब लगभग 250 ग्राम होता है। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसमें मैं 1 चम्मच शक्कर मिला रही हूँ, 1 चम्मच छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप दही। अब हमको इस सबको अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक डो बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। पानी हमको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो फिर वो अच्छे से नहीं गूंदेगा। ये देखिए हमारा आटा गून गया है, मैदा है जो। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, फिर हम इसके नान बनाएंगे। ये देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे और इसको फिर से हमको 10-15 मिनट तक फिर से हमको इसको होने देना है ताकि एकदम अच्छे से बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन जाए। इसलिए इसको हमको 15-20 मिनट तक छोड़ देना है। देखिए हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। लगभग इसको हमने पहले 15 मिनट, फिर बाद में 15 मिनट, 15-20 मिनट हमने इसको बाद में रखा था, तो कुल हमने बॉईल करने के बाद, तड़का लगाने के बाद इसको हमने 35-40 मिनट तक इसको फिर से पकाया है। अगर आपकी दाल पहले ही बहुत ज़्यादा गल चुकी है तो फिर आप थोड़ा सा इसको टाइम को कम कर सकते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल बनके रेडी हो गई है। ये हमारी दाल मखनी बनके रेडी हो गई है। अब हम नान बनाने की तैयारी करते हैं। ये आधा घंटा हो चुका है हमारे आटे को। अब इसके नान बनाने के लिए हमने ली है, ये ली हमने कलौंजी, थोड़ा सा घी और धनिया। अब हम इसको बनाते हैं, इसको हम बेलेंगे। अब इसको आप कैसी भी शेप दे सकते हैं, गोल दीजिए या कैसी भी दीजिए, आपकी जो पसंद में हो। ये देखिए हमने बेल लिया। अब इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। कलौंजी सीड्स लगा देंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती लगा देंगे और इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे। अब एक बार इसको हम थोड़ा सा और बेल लेंगे ताकि ये इस पर अच्छे से चिपक जाए। अब हमने जिस साइड ये लगाया है उसके दूसरी साइड हम इस पर थोड़ा सा पानी से ब्रश से इस पर पानी लगा देंगे थोड़ा सा। तवा हमने गरम होने रख दिया है। अब जिस साइड से हमने पानी लगाया था उस साइड से हम इस तवे पर डालेंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे और थोड़ा होने देंगे इसको। अब हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। थोड़ा सा हमको लगेगा कि ये नीचे से थोड़ा सिक गया, तो इसको फिर हम अब हम तवे को ऐसे उल्टा कर देंगे और इस पर हम ऐसे सेकेंगे इसको चारों तरफ से। ये देखिए ये नीचे उतर के आ गया है और अब हम इसको इस पर सेक लेंगे। ये देखिए हम इसको दूसरी साइड से सेक रहे हैं। ये आपका या तो तवा स्टील का होना चाहिए या लोहे का। अगर आपका नॉन स्टिक तवा है तो वो नीचे से नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए आपका बनकर नान बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर बटर डाल देंगे। ये हमारा नान बनकर रेडी हो गया। इसी तरह से हम और नान बना लेते हैं।
ये देखिए पीछे से भी ऐसा लग रहा है ना इसको, जैसे हमने अभी तंदूर पर बनाया है। ये देखिए हमारे नान बनकर रेडी हो गए हैं, अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हमारे दाल और नान बनकर तैयार हो चुके हैं, अब आप इसको खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। आपको इसी तरह नई नई रेसिपी सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।